हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपना एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि जो एसएससी जीडी की जो अभी तक एग्जाम हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको इसमें से इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पंचवर्षीय योजना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस बार का रहने वाला है। हर शिफ्ट में एक से दो सवाल इसके यहाँ पर पूछे ही जा रही है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट हो जाता है पंचवर्षीय योजना। तो जितने भी एसएससी जीडी में अभी तक पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछे गए वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे और सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये आपके लिए जितने भी पंचवर्षीय योजना से जितने भी सवाल बने हैं इनको इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो फ्रेंड्स, आपका एक लाइक हमारे को मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक कीजिए। इसके साथ चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको आंसर पहले ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे अगला क्वेश्चन देखें तो यहां पर अगला सवाल क्या पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी में ये पूछा गया सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने, अब यहां पर खाली जगह के अंदर आपको बनना है, भारत ने खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951। तो 1951 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल यहां पर आपसे यह पूछा गया है कि जो 1971 के बाद के भारत पाक युद्ध हुआ था, 1971 में आप सभी को बताया, भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना जो भारत में चल रही थी। फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप जितने भी मैं इस वीडियो के अंदर पंचवर्षीय योजना सवाल आपको करवा रहा हूं, अगर एक बार उनको आप देख भी लेंगे ना, तो नेक्स्ट एग्जाम के अंदर अगर इससे आपका सवाल कोई भी आता है पंचवर्षीय योजना से, तो बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल है आपसे क्या पूछा गया था कि जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है, कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी, ये थीम से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसकी थीम थी कि तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, तो नेक्स्ट यहां पर आपसे पूछा गया, ये देख सकते हैं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। ये अभी दो बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पीछे भी आपको मैंने करवाया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में यहां पर ध्यान से देखना अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछ लिया, पहले तो शुरुआत पूछी थी, अब की बार इसके उद्देश्य पूछ लिया। तो उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना, यही इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट सवाल देखें तो अगला सवाल यहां पर ये देख सकते हैं, ये पूछा गया था कि खालिस्तान पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो यहां पर जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, यह आपकी स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर आपका एक सवाल पूछा गया था कि भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? तो इसकी समय सीमा थी 1956 से लेकर 1961, ये इसकी समय सीमा थी। तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आ गई। इसके बाद में यहां पर आगे देखें, आगे ये सातवीं पंचवर्षीय योजना से आपकी बात सवाल पूछ लिया कि भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना की का वास्तविक दर क्या थी? तो इसकी वास्तविक दर थी 6%। ठीक है फ्रेंड्स, ये दर भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपके साथ क्या सवाल पूछा गया कि यहां पर अगला सवाल देख सकते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, आपसे पूछा गया था कि खालिस्तान का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। मतलब आपको पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि के अंदर विकास करना, यही इसका उद्देश्य था। तो यह आपका सही हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आपने सारे क्वेश्चन देख लिए जितने भी एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए थे, अभी देखते देखते आपको याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कि जैसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री थे। और जैसे आगे देखें तो कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, तो बिजली और परिवहन पर कौन सी थी, पहली पंचवर्षीय योजना थी जो बुनियादी ढांचे का विकास पानी यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी।
ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला देखें तो यहां पर एक सवाल पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था, तो ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये आप देख सकते हैं। तो ये बार बार सवाल रिपीट होते हैं, अलग सवाल कुछ भी नहीं बन सकता। अब यहां पर एक सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपका खालिस्तान के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी, तो बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। अब यही सवाल अभी पीछे आया है, मैंने आपको बताया था ना कि जो औद्योगिक उद्योगों को विकास के लिए, तो यह आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना यहां पर आपकी कृषि से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या सवाल पूछा गया था कि जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपको बताना है, का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था, तो यह आत्मनिर्भर बनाना था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता से संबंधित थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर आपसे पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, यह भी सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है। अभी मैंने आपको जो ये सेशन स्टार्ट किया था, यही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1951 से 1956, और यह कृषि से संबंधित थी, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे देखें तो आपको पूछ लिया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना खालिस्तान के कारण विलंबित हुई थी, तो विलंबित किस कारण हुई थी, मतलब इसके अंदर देरी किस कारण होती, केंद्र में राजनीति अनिश्चितता, राजनीति अनिश्चितता के कारण इसमें थोड़ी सी विलंबित हो गई थी। इसके बाद में एक सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि जो आपकी पांचवीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके दौरान पेश किया गया था, तो क्या पेश किया गया था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो आपका पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यहां पर पेश किया गया था। नेक्स्ट देखें, आपको वापस पूछ लिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में खालिस्तान मॉडल पालन किया गया था, तो हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल आपकी पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था, और उसकी अवधि क्या थी, 1951 से यहां पर शुरू हुई थी, कृषि से यह संबंधित थी। तो यही सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना था। इसके बाद में आगे क्या पूछा गया है, अब की बात दसवीं पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है कि भारत की दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी, तो 7.6%, 7.6% आपकी ये विकास दर थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, तो नेक्स्ट सवाल आपको यहां पर पूछा गया है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या था कि जो आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम ये चालू हुआ था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में अगला देखिए, अगला आपसे क्या पूछा गया है कि जो यहां पर पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी, तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास किस में हुआ था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट देखें, अब यहां पर वापस यही पूछ लिया, चौथी पंचवर्षीय योजना, बार बार रिपीट हो चुका है ये सवाल, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खालिस्तान युद्ध हुआ था, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ये पीछे भी आपका रिपीट हो चुका है, तो पंचवर्षीय योजना के सवाल यही बनने हैं, बस क्या है इनको बार बार घुमा दिया जाता है, बार बार इसके थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके उद्देश्य याद रखना है, इनका काल याद रखना है, इनके प्रधानमंत्री याद रखना है कि मतलब इसके समय कौन से प्रधानमंत्री थे, यही सवाल बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद में आपसे एक सवाल पूछा गया है कि भारत सरकार की खालिस्तान पंचवर्षीय योजना, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो यह आपको ध्यान में रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या काल था, 2012 से लेकर 2017 इसका ये काल था, तो यह आपको ध्यान में रखना है। एक आपका क्या सवाल पूछा गया है, आपका सवाल पूछा गया है कि जो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, एक उद्देश्य तो था कि गरीबी हटाओ, दूसरा था आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भरता मैंने आपको बताया था पांचवी पंचवर्षीय योजना है, यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखें, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना, अभी दो क्वेश्चन पीछे यह सवाल पूछा गया था, तो इसमें क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है, भारत में लागू की गई पंचवर्षीय योजना अंतिम, इसका काल क्या था, 2012 से लेकर 2017 तक,
ये इसका काल था 12वीं पंचवर्षीय योजना और ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद में एक सवाल आपसे यह पूछा गया था कि विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 सोवियत संघ में खालिस्तान द्वारा लागू की गई थी, तो यह आपकी जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू की गई थी। तो यह क्वेश्चन पहली बार ही पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। एक सवाल आपको यह पूछा गया था कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसका काल क्या था? 2012 से लेकर 2017 था। और इसमें पूछा गया कि इसका लक्ष्य कितना था? 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना, तो यह आपसे पूछा था। तो खालिस्तान में 8.2% आ जाएगा। इसके बाद में लक्ष्य दर कितनी थी? 8.2% 2012 से 2017 अंतिम पंचवर्षीय योजना, यही सवाल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आगे देखें, आगे एक सवाल पूछा गया है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना, यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दो आपका सही हो जाएगा। 1951 से शुरू हुई थी, कृषि पर आधारित थी यह पंचवर्षीय योजना और होमर डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहां पर एक सवाल पूछा गया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से लेकर 2007, 10वीं। आपको इसे ध्यान रखना है कि 10 है तो इसमें दो अक्षर आते हैं, कितने अक्षर आते हैं? दो अक्षर आते हैं, तो 2002 से लेकर 2007 ये आपका इसका काल हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक सवाल आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? बार बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम थी? तो अंतिम का मतलब आपने सुना था होगा कि 12 बज गई, तो ये आपको थोड़ा बहुत कोरिलेटेड कर लेना है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसका कितना था समय? 2012 से लेकर 2017 ये इसका समय था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में और क्या सवाल पूछा गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन इसका सही हो जाएगा। एक आगे देखें तो यहां पर 6वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 6वीं के अंदर एक कम कर देना है, 6वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य दर कितना था? एक कम कर देना है, एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 5.2% कितना था 6वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य दर? कितना था? 5.2%। इसके बाद में अंतिम ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एसएससी के द्वारा, एसएससी के पास सवाल ही नहीं है, ऐसे बस मान सकते हैं। पंचवर्षीय योजना के अंदर जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है बहुत ज्यादा पूछी गई है, देख सकते हैं। अंतिम जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही है कि त्वरित और सतत अधिक समावेशी विकास, यही है। और इसका काल पूछे तो आपसे, तो 2012 से लेकर 2017 इसका काल था। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है। तो आप जैसे जैसे वीडियो देखते रहेंगे आपको पूरा पंचवर्षीय योजना याद हो जाएगा, क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर हमने देखा है कि एक सवाल आपसे पूछा ही गया है, एक से दो सवाल। अब यहां पर पूछा गया कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? तो संवैधानिक निकाय था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत 1951 से हुई थी और कृषि के ऊपर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, होमर डोमर मॉडल के ऊपर आधारित है। इसके बाद में एक आपसे पूछा गया 4वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो जो 4वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1969 के अंदर शुरू हुई थी, कितने के अंदर? 1969 के अंदर, 69, ये आपको ध्यान में रखना है। 4वीं पंचवर्षीय योजना, 4वीं पंचवर्षीय योजना 1969 के अंदर शुरू हुई थी, तो ये 69 याद रखना। इसके बाद में IPR 1956 ने खालिस्तान पंचवर्षीय योजना की नींव रखी, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसकी ये नींव रखी है, ये आपको ध्यान में रखना है। IPR 1956 ने, एक सवाल आपसे पूछा गया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था, तो क्या था? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन के अंदर वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, सेशन को एक बार शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहां पर एक सवाल पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने खालिस्तान अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी, तो 1951 में इसकी शुरुआत की थी, कृषि के ऊपर ही आधारित थी
और होमर डोमर मोदर के ऊपर ही आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, यही सवाल इससे बनते हैं, मोटे मोटे सवाल यही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल 1951 था, कृषि पर आधारित थी। इसके बाद में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना थी। भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत और पाक युद्ध 1971 में हुआ था ये, और इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना इस समय क्रियान्वित थी। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम पूछ ली आपसे, तो इसकी थीम है तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन लगभग आपका 10 से 11वीं बार रिपीट हो चुका है, 10 से 11वीं बार एसएससी जीडी के अंदर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में शुरू हुई थी, तो 1951 में शुरू हुई थी, कृषि पर आधारित थी, होमन डोमन मोटर था, और इसके अंदर और क्या है, ये चीजें हैं सारी। इसके बाद में आगे देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास करना, 1951 में शुरू हुई थी, होमर डोमर मॉडल के ऊपर ही आधारित थी। यही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बस लैंग्वेज चेंज है। एक आपसे पूछा गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसके स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, तो ये ध्यान में रखना है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1971 के समय हुई थी, इस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चालू हो रहा था, भारत पाक युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना पर के समय थी, ये ध्यान में रखना है। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी, तो 1956 से लेकर 61, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 के अंदर ये चल रही थी। एक आपका सवाल पूछा गया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी, तो मैंने क्या बताया था, 7 में से आपको 1 कम कर देना है, यानी 6% इसकी वार्षिक विकास दर थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक सवाल आपसे यह पूछा गया है कि जो खालिस्तान का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, होमर डोमर मॉडल के ऊपर यह आधारित थी, यही सवाल है, बार बार रिपीट हो रहे, ठीक है फ्रेंड्स। एक आपसे सवाल पूछा गया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव इसके समय आपके प्रधानमंत्री थे, ये भी आपके क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में आपको ये पूछा गया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली पर परिवहन पर केंद्रित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, कृषि पर आधारित थी और होमर डोमर मॉडल। एक आपका सवाल था कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों पर उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद में एक सवाल आपसे यह पूछा गया था कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना थी कि इसके दौरान मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र पर था, इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी, ठीक है फ्रेंड्स, तो यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रही है, देख सकते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूछ ली, आत्मनिर्भर पर आधारित है, ये काफी बार रिपीट हो चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956, कृषि पर आधारित, होमर डोमर मॉडल, ठीक है। इसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में आधारित अनिश्चितता, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप अगर आप ये वीडियो देखकर जाते हैं तो पंचवर्षीय योजना का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, और ये पीडीएफ है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और भी हम टॉपिक लाने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए हैं, जैसे मंदिरों से संबंधित अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अनुच्छेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद का वीडियो भी मैं लाने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।